भाई मैं क्या देख रहा हूँ हमारे गप्पी फिश रूम में। ठीक है ना दोस्तों, आपको मैंने कुछ दिन पहले अपडेट दिया था, हमारे एप्पल स्नेल ने यहाँ पे अंडे दे दिए। ठीक है, और दोस्तों कंप्लीट 21 डेज हो चुके हैं यार इनको। ठीक है ना, ये देखो यार, ये हैच होना स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। ये देखो यार, मैं तो इनको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार हैच होते हुए। ओ भाई साहब, ये देखो यार, वाव, ये देखो, ये बड़ी वाली एप्पल स्नेल है दोस्तों, और इसके साथ बहुत सारे छोटे 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 एप्पल स्नेल के बेबीज है। अभी दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये बड़ी वाली जो एप्पल स्नेल है यहाँ से निकाल लेता हूँ। पता नहीं यार ये इसके बेबीज है खुद खा ले। ठीक है ना, मुझे तो टेंशन हो रही है यार, इसको तो मैंने निकाल लेता हूँ। और ये जो मॉली फिश है दोस्तों, इनको भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं यार ये एप्पल स्नेल के बेबीज के ऊपर अटैक करके खुद खा जाएगी यार, तो इसी की वजह से मैं निकाल लेता हूँ दोस्तों इनको फटाक से। फिर आपको मिलता हूँ मैं। तो दोस्तों आपको एक फर्क नजर आ रहा होगा, ये हमारी बड़ी वाली एप्पल स्नेल और ये छोटी सी एप्पल स्नेल यार। ये देखो कितना छोटा बेबी यार ये, वाह। चलो भाई इसको, ओए फिर से गिर गई यार ये, आजा भाई तू। तो दोस्तों मैं ना इनको ना यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हमारे व्हाइट वाले गप्पीज के साथ, और जो ये वाइल्ड गप्पीज है मैं यहाँ से इनको भी निकाल लेता हूँ। ये देखो यार, चलो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ यार। पता नहीं यार हमारी वाइल्ड गप्पीज ने जो इनके ऊपर अटैक कर खा लिया, तो इनको मैं फिलहाल तो यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कितने सारे बेबीज हैच हुए। ये एलो जितने भी है ना, ये हमारे सारे एप्पल स्नेल के न्यू बॉर्न बेबीज है। अभी भी ये अंडों से आ ही रहे। ये देखो, ये इनके यहाँ पे अंडे दिए थे लास्ट 21-22 जिनको हो चुके, मतलब 3 हफ्ते हो चुके यार। हमारे जब ग्रे ने बच्चे दिए थे ना, तभी ये अंडे यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, ये देखो यार, आपको मैंने अपडेट भी दिया था, ये जितने व्हाइट व्हाइट हुए ना दोस्तों, मुझे लग रहा है कि यहाँ से सारे बेबीज हैच होके यहाँ पे आए हैं। अभी यहाँ से धीरे धीरे होकर ये नीचे उतर रहे। ये देखो यार कितने सारे बेबीज है यार ये, वाह यार, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार इनको हैच होते हुए, वाह। तो दोस्तों आज हमें हमारे सेटअप में से बहुत ही ज्यादा बिग वाली हैप्पी न्यूज मिली यार। ठीक है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ यार, क्या ही बताऊँ यार, मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है यार। बट यार दोस्तों मुझे एक ही डर था यार, ये यहाँ पे हैच होते या नहीं। बट ये हो तो गए यार सक्सेसफुली, सारे के सारे अंडे हैच हो रहे, अभी तो हो ही रहे, अभी हमें और शाम तक पता चल जाएगा ये पूरे हैच होते या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो प्लांट्स वगैरह ऐड किए थे तो यहाँ पे वो तो ग्रो नहीं हो पा रहे थे, तो इसी की वजह से ये भी मुझे डर था कि यार हमारे एप्पल स्नेल के बेबी हैच होते ही या नहीं। बट यार ये सक्सेसफुली यहाँ पे हैच हो गए। और दोस्तों मैं अभी क्या करूंगा, इनको इनके हाल पे ऐसे छोड़ दूंगा, इनको सिर्फ मैं 2 टाइम दिन में फीड करूंगा, थोड़ा 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 इनको थोड़ा थोड़ा जो इनको जो पैलेट्स वगैरह होते हैं मैं इनको देते रहूंगा। ठीक है, बाकी इनको इनमें हम कोई फिश वगैरह नहीं छोड़ेंगे थोड़े दिन के लिए, 4-5 दिनों के लिए। इनका जब तक जो शेल होता है ऊपर का, जब तक इसका पूरा कड़क नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे दूसरी एप्पल स्नेल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यार बड़ी वाली जो एप्पल स्नेल होती है छोटे बच्चों को खा जाती है यार, तो इसी की वजह से नो रिस्क। तो दोस्तों काफी सारे भाई हमारे गोलगप्पे का अपडेट पूछ रहे थे यार, हमारे जो गोलगप्पे थे उनको हमारे सेटअप में आते हुए कंप्लीट 15 डेज से भी ज्यादा हो चुकी है। और इनकी आप अभी कलर देख सकते हो, ये देखो यार इसका आप कलर देखो यार, कितना जबरदस्त पूरा ग्लो होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और ये हमारे क्लाइमेट में इतना अच्छे से सूट नहीं हुआ है, तो जैसे ही ये कंफर्टेबल हो जाएगा ना यार, इसके बेबीज वगैरह होने जाएंगे ना, तब इसका कलर देखना यार फुल गोल्ड हो जाता है यार ये। ये देखो यार इसके जो फीमेल्स है दोनों भी, अभी इनको भी थोड़ा थोड़ा प्लैटिनम आना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो भाई भाई भाई, और ये देखो ये कुछ खा रहा है। हाँ मैंने इनको ना कल ना ग्रीन पीस वगैरह यहाँ पे ऐड किए थे, तो वही खा रहे हैं यार ये। वाह यार ये देखो, वाह 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 वाह। और दोस्तों यहाँ पे हमने ये वाली गप्पीज ऐड की थी, ये देखो ये भी, इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं, इसकी भी अभी टेल थोड़ी थोड़ी बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो यार, मतलब हमने ऐड नहीं की थी, ये हमें मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी, और ये मेल हो गया और ये अगली वाली फीमेल हो गई, और फीमेल तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ दिनों में बेबीज वगैरह दे देंगी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, दोस्तों अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मेरा एक दोस्त आया हुआ है, तो यार उसकी और मेरी यार कई दिनों से ना एक डील चल रही है हमारे पिजन के बेबी के ऊपर। ठीक है, जो कि ये परपंच का आपको दिखाता हूँ मैं, अरे ब्लैकी बाहर। ये देखो यार, ये वाला जो पिजन है ना दोस्तों, उसको ये वाला पिजन बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये बच्चा है हमारे ही सेटअप में बड़ा हुआ है, और इसके जो मॉम डैड है ये ऊपर है, अभी उन्होंने सेकंड वाले एक दे दिए। ठीक है, ये लास्ट मंथ का बच्चा है, तो इसको लेकर है ना दोस्तों हमारी कई दिनों से डील चल रही है, और वो डील आज डन हो गई है। ठीक है, तो यार उसको ये पसंद भी आ गया है, तो चलो यार इसे अभी पकड़ते हैं, और ये मेरे दोस्त के पास अभी जाने वाला है।
तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे ही सेटअप में बड़ा हुआ है। ये कंप्लीट डेढ़ महीने से हमारे पास है यार, उससे ज़्यादा भी होगा क्या पता, मुझे नहीं पता, बट डेढ़ महीने से आसपास हो ही गए उसको। चलो भाई बाय बाय। अभी इसको तू पहले भी लेके गया ना मेरे पास, तो वो मेल निकला और ये फीमेल है, ठीक है। मतलब अभी इनका जो पेयर है ना दोस्तों, ये परफेक्ट हो जाने वाला है। दोस्तों ये वाला जो दोस्त है ना मेरा, तो इसके पास से ही मैंने कुछ दिनों पहले हमारी जो लिली है उसके पास ही लाई थी, ठीक है। मतलब लिली एक छोटा बच्चा था यार, इसके पास ही था, मुझे बहुत पसंद था। मेरा दोस्त ये फार्म में रहता है, इसका फार्म हाउस है और वहाँ पे बहुत सारी मुर्गी है, ठीक है। और वहाँ पे मुझे लिली बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो इसके पास से ही मैंने तब का बुक करके रखा था, तो वो फाइनली मैं लेके आ गया था। तो ये वही दोस्त है और इसके पास बहुत सारे पिजन है। मैं आऊँगा यार तेरा सेटअप देखने के लिए, ठीक है। दोस्तों अभी हो चुकी है इवनिंग, ये देखो यार पूरा अंधेरा हो चुका है। दोस्तों आज शाम को ही हमें एक हैप्पी न्यूज़ मिली थी हमारे ब्लैकी की ओर से, ठीक है। बट यार मैं अभी देख रहा हूँ ना, अभी मैंने जस्ट ब्लैकी के बच्चे देखने के लिए आया ऊपर, और यार सारे के सारे बच्चे ना यार इसने दबा दिए। ये देखो यार एक भी बच्चा जिंदा नहीं है। और आज मैंने इवनिंग में ही देखा यार, इसने दिए थे चार बच्चे और चारों के चारों एक्टिव थे, ठीक है। ये देखो यार ये वाला पहला बच्चा, यार ये वाला पहला बच्चा दोस्तों, ये वाला सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यार मुझे ब्लैकी पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना यार, चारों के चारों बच्चे एक्टिव थे, पता नहीं यार मुझे तो ऐसा लग रहा है ना दोस्तों, इसने ना इसके ऊपर ना पाव रख कर डायरेक्ट मार दिया होगा यार इसने। तो दोस्तों अभी मैं क्या करता हूँ, चारों बच्चों को ना निकाल देता हूँ और इनको ना दफना देता हूँ पहले, ठीक है, फिर हम सोचेंगे हमारी ब्लैकी का क्या करना है। तो दोस्तों ये वाला बच्चा आप देख सकते हैं यार, बिल्कुल हमारे ब्लैकी और स्नो के ऊपर गया था यार। तो यार दोस्तों मैंने हमारे चारों बच्चों को दफना दिया, ठीक है। यार मुझे अभी ना बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा यार, मैं हमारे ब्लैकी का क्या करूँ यार। मुझे लगा था यार इसके ऊपर मुझे एक भरोसा था यार, कि यार ये चारों बच्चों को मतलब इतने दिनों बाद इसने बच्चे दिए और चारों बच्चों को अच्छे से ग्रो करेगी यार, ठीक है। इसीलिए मैंने इसके पास ही रखे थे, जैसे कि हमने हमारे जो ग्रे है, ग्रे के जो बच्चे थे ना दोस्तों, हमने उनको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं था, ठीक है। और चारों के चारों बच्चे एकदम एक्टिव तंदुरुस्त थे, ठीक है, और ग्रे के साथ आराम से रहते यार, ठीक है। वैसे मैंने सोचा था यार हमारे ब्लैकी को लेकर, जैसे हमारे ग्रे ने संभाले थे बच्चे, वैसे ही हमारी ब्लैकी संभालेगी, ऐसा मुझे लगा था यार, बट नहीं संभाल पाई यार। तो फिलहाल तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, रात को बिल्ली ना ले जाए इसे यार, ऐसा मैंने बंद करके रखा था यार। आज इधर धूप भी आ रही थी ना, तो इसकी वजह से मैंने अच्छा सा इसे बैग पैक करके रखा था। तो यार दोस्तों अभी हम तो एक ही कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम से हमें ध्यान देना होगा हमारी ब्लैकी को लेकर, ठीक है। मतलब जब भी अभी नेक्स्ट टाइम ब्लैकी बच्चे देगी, उनको हमें तुरंत सेपरेट कर लेना होगा, ठीक है। क्योंकि यार दोस्तों ब्लैकी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी वाली रैबिट है यार, ठीक है ना, क्या ही बताऊँ यार। हमें भी हम जब जाते हैं ना यार, तो काटने के लिए दौड़ती है, और भाई उसने फर्स्ट टाइम हमारे सेटअप में बच्चे दिए और चारों के चारों बच्चों को मार दिया यार। तो दोस्तों हमारे जो एप्पल्स ने ले, उसने ही हमें मॉर्निंग में अच्छी खासी गुड न्यूज दी थी, ठीक है। तो अभी मैं देख लेता हूँ यार कि उसके सारे बेबी हैच हुए या नहीं। ओहो वाह 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 वाह। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे एप्पल स्नेल के बेबीज एक, ओके, ये एल एल से छोटे छोटे से जो देख रहे हैं ना यार, ये कोई फूड के टुकड़े नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एप्पल स्नेल के बेबीज है, ये देखो यार अभी भी हैच हो रहे हैं यार ये। मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, इनको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ यहाँ से, मतलब ये जो व्हाइट वाला है ना, इसे देखता हूँ यार पहले। ये देखो ये पूरा का पूरा अभी ना ड्राई हो चुका है, ये देखो इसमें से कुछ नहीं है। ऊपर देखता हूँ, इधर भी कुछ नहीं है, ये देखो यार इधर देखता हूँ मैं, नहीं यार ये देखो सारे सारे बेबी जो है ना दोस्तों हैच हो चुके हैं। यहाँ पे भी देखता हूँ, ये देखो अभी भी थोड़े थोड़े हैच हो रहे हैं, ये देखो कुछ नहीं यार, एक दो ये देखो ये भी नीचे आ ही रहे थे, मतलब यहाँ से सारे बेबीज हैच हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक दो दिनों के बाद हमारे जो एप्पल स्नेल के बेबीज है, उनका जो शेल है ना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो एप्पल स्नेल के बेबीज है, ये तो आज ही हैच हुए अंडों से, तो आज हमें इतने अच्छे से नहीं दिखने वाले, 2 से 3 दिनों में ये पूरे के पूरे हमें अच्छे से दिखने वाले, मतलब ये थोड़े 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 बड़े हो जाएंगे और इनका जो शेल है वो भी हार्ड हो जाएगा और उनका जो कलर है ऑरेंज वो भी आ जाएगा उनको, तो हम उनको साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। तो एक दो दिनों के बाद हम इनका अपडेट जरूर लेंगे। तो दोस्तों आज हमें गुड न्यूज भी मिली और बैड न्यूज भी मिली। शाम में मैं इतना ज्यादा खुश था यार कि बहुत दिनों के बाद हमारे ब्लैकी ने हमारे सेटअप में बेबीज फाइनली दे दिए थे। बट यार मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था यार ब्लैकी ऐसा कर देगी उनके बेबीज के साथ, ठीक है।
तो चलो यार, इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं।